कोरोना महामारी के दौरान लोगों के लिए जी जान से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाने में जुटे हुए सफाई कर्मियों को विधायक नरेंद्र ठाकुर ने आज सम्मानित किया। इस मौके पर टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 100 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा भी की गई। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पूरे विश्व में लोग बीमारी की चपेट में हैं। उन्होंने कहा कि देश में पीएम मोदी और सीएम जयराम ठाकुर ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, उसके चलते ही बीमारी का मुकाबला लोग कर सके हैं। उन्होंने कहा कि शहर में सफाई कर्मचारियों ने जीवन को दांव पर लगाकर कोरोना संकट में कूड़ा करकट की सफाई कर रहे हैं, जिसके चलते आज इन सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। कि जैसे आप सभी जानते हैं, आज एक वैश्विक जो महामारी फैली हुई है और जिसमें पूरा वर्ल्ड जो है वो इफेक्ट हुआ है, मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय मोदी जी को व प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम जी को कि इस भयानक बीमारी में भी जिस जो उन्होंने हमारे देश और प्रदेश के लिए किया, हम काफ़ी हद तक इसका मुकाबला करने में सक्षम हुए हैं अगर हम बाहर के देशों के साथ अपना कंपैरिजन करें। लेकिन फिर भी अभी तक इसकी प्रॉपर कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट नहीं निकली है और आने वाले समय में भी जैसा भी हाल ही में हमीरपुर में लगभग 70 ऐसे कोरोना इफेक्टेड लोग जो बाहर से आए हुए हैं, तो सिचुएशन जो पैनिक जो बनी हुई है, तो इस सब के चलते जो प्रयास हमारे यहाँ पर, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे वो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने हमीरपुर जिला के लिए, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक योद्धा की तरह इस वायरस का सामना किया है और काफ़ी हद तक हमारे लोगों को जो भी सुविधा चाहिए थी, जो भी इनका वो पहुँचाने का प्रयास किया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो काम हमीरपुर जिला में हुआ है, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ऑफिशियल्स का भी इसमें धन्यवाद करना चाहूँगा। वैसे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग अब तक आ चुके हैं, लगभग 80% लोग बाहर से हमारे बीच आ चुके हैं, जो हमें लाने थे क्योंकि वो हमारे परिवार के लोग थे, और अभी सारे के सारे क्वारंटाइन हो चुके हैं। 14 या 15 दिन के अंदर अंदर ये सारे नेगेटिव होकर अपने घरों को चले जाएंगे और आने वाले कुछ समय में हमारे एरिया जो है वो ग्रीन जोन में चला जाएगा। लेकिन फिर भी हमें, क्योंकि इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो हमें जो ऊपर से जो गाइडलाइंस आई हैं कि सोशल डिस्टेंसी ही इसका प्रॉपर जो है वो इलाज है, हम सोशल डिस्टेंसी का पूरा ध्यान रखें, मास्क लगा के बाहर निकलें और अपने आप केयरफुल रहिए, क्योंकि ये सोचकर चलिए कि जिस व्यक्ति के साथ आप मिल रहे हो वो कोरोना इफेक्टेड है, आपने उससे कैसे बचना है। अगर इसी ढंग से हम चलेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद हमारा ये जो जोन है वो ग्रीन जोन में आ जाएगा। आज मैं उन योद्धाओं को, सफाई कर्मचारियों को जो मैं देख रहा हूँ पिछले 2 महीने से कि हमीरपुर में बेचारों ने, इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके, हमारी जो कमेटी एरिया है इन्होंने सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को लगाया हुआ है, क्योंकि हर जाके हर किसी के साथ ये मिल रहे हैं, हर जगह घर घर में जाकर ये कूड़ा उठा रहे हैं, लेकिन इस दिलेरी के साथ ये काम कर रहे हैं। मैं इन सबको बधाई भी देना चाहूँगा और आशा भी करता हूँ कि आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। तो आज मैं इसी सिलसिले में आज सफाई कर्मचारियों के लिए आया हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं पुलिस स्टेशन भी जाऊँगा और कल मेडिकल स्टाफ और प्रेस वालों के साथ मेरी मुलाकात है, इसी सिलसिले में आज इनके बीच में आया हूँ। धन्यवाद।